लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नवागत एसडीएम अर्पित गुप्ता एक्टिव अंदाज में नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने एक बार फिर हेरुंदा स्थित सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। देखिए रिपोर्ट। मेरुंदा थाना परिसर में 15 मार्च को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर कुछ नागरिकों ने शिकायत की थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए आज नवागत एसडीएम अर्पित गुप्ता ने सिविल हॉस्पिटल भेरुंदा का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को देखा। वहीं सिविल अस्पताल के अनियमितताओं को लेकर सीबीएमओ को निर्देशित करते हुए बंद पड़ी मशीनों को जल्द ही दुरुस्त करवाने को कहा। देखिए, जो जो सुविधाएं थी इन्होंने अभी मुझे सुविधाएं दिखाई हैं। आज तो ये इसको औचक निरीक्षण नहीं कहेंगे, बेसिकली मैं देखने आया था कि हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने डॉक्टर्स की पोस्टिंग है और कौन कौन लोग प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन लोग एब्सेंट रहते हैं। तो मैं अभी ये समझना चाहता था कि हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और अभी क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है और क्या ह्यूमन रिसोर्स है। तो अब मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया। इस बेसिस पे हम जब भी आगे हमें कभी भी ज़रूरत पड़ा करेगी या किसी भी कोई भी जो है कार्यवाही के लिए या कभी भी किसी जो है इशू के लिए, किसी भी मुद्दे के लिए जब भी हमारे पास उठाया जाएगा ये, तो तब हमें जानकारी रहेगी, तो उस हिसाब से हम जो भी जाँच होगी करवा लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागरिकों की शिकायत के बाद नवागत एसडीएम ने अपना एक्टिव अंदाज दिखाते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, फेरुंदा।